नादिया की तस्वीरें दिखाओ, मेरी अभी भी पतली है, मैं चाहती थी ये देखो ये तो आप नहीं लग रही बिल्कुल है ना, कितना और देखो सादिया की शुरू से ही ऐसी आईब्रो, शुरू से ये देखे, हालांकि कितना पुराना है उस वक्त, कोई बोटॉक्स वगैरह कोई नहीं कराता था, लेकिन सादिया की शुरू से ऐसे सब लोग भूल गए। ये पिक्चर्स याद रखनी चाहिए, इसमें इनके बड़े लिप्स ही हैं। हाँ ना, वही तो देखो, बस लोगों ने लेबल लगा दिया होता है। ये देखो ये हेयर स्टाइल देखो, पफ बीच में। अच्छा ये अभी का हेयर स्टाइल भी है, चौड़ा माथा, यूं गोल एकदम फ्रंट पे बिल्कुल गोल है। काजल देखो, आए नादिया फैमिली आ गई है भाई, जॉइन इन हमारे क्लब, आ जॉइन इन। ये नादिया को वेलकम कर लेते हैं जी, क्या हाल है? देख हम अपने पुराने वक्तों को बिल्कुल याद कर रहे हैं, और जो तस्वीरें छुपा देते थे ना हम लोग, यही नहीं वो सब मैंने भी जो है ना वो सब कल भेजी है कि देखें जरा कि क्या मतलब आप शादी के दोबारा आए, हम तबसरा करना चाहेंगे, एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता चलाएगा एकदम। नहीं अच्छा, मैं आम दिनों में तब भी मेकअप नहीं करती थी, तो मैंने आम दिनों की भी तस्वीरें दी है, अल्लाह करे वो भी आए, मतलब उन बच्चों को याद रह गई हो ना, क्योंकि दिखाओ सादिया की पिक्चर्स, मुझे अलग अलग चाहिए। ये तो मेकअप, ये देखो आप यहाँ अगर ब्लंडर खुद सादिया, तुम बताओगे तुम्हें क्या लगता है? नहीं मेरा ब्लंडर नहीं, ये तो एक शूट है, उसमें जैसी लुक एक मेकअप आर्टिस्ट को चाहिए या जैसी लुक एक उसको डिजाइनर को चाहिए, मैं मेकअप आर्टिस्ट के आगे कभी नहीं बोलती। मेरा प्रॉब्लम सारी मेकअप आर्टिस्ट, एक जमाने में बहुत शौक था मेकअप, और मेरी आंख में तो वैसे नादिया खुद मेकअप आर्टिस्ट है, पता जिस मेकअप आर्टिस्ट को मौका मिलता है मेरी आंख में मेकअप करने का, वो शुरू ही रहता है, उसको रोकना पड़ता है। रुके, मुझे याद है जब मैं मेरी शादी तो मुझे ब्राइट सबा ने बनाया, सबन सारी ने, उन्होंने जिंदगी में पहली दफा मेरा मेकअप किया, मेरी शादी के दिन ही मेकअप किया, और उस दिन कह रही है मैंने आज तक इसकी आंख में मेकअप क्यों नहीं किया, कितनी बड़ी आंख है, कितनी प्यारी के सादिया, मैं मेकअप करती जाऊंगा मैं, और मैं कह रही हूँ अब रुक जाए, अब रुक जाए। जगह है ना, डेप्थ है यहाँ पे, कैनवास ज्यादा है, मेकअप आर्टिस्ट को मजा आता है उस आंख में मेकअप करने का, तो फिर वो, लेकिन जिसकी जो लुक होती थी मैं कभी नहीं छेड़ती थी कि यार ये, अब ये देखें, ये हम लोग दुबई में एक हमने वो शो था उसकी, मतलब बुशरापा को देखें ये क्लोज, हम जा सकते हैं कि नहीं, मतलब मेकअप आर्टिस्ट जो है वो ये नहीं सोचता था कि सफेद बेस लगा दिए, चिट्टी बेस, आइवरी बेस लगा के उठा के हमें, मतलब और तीनों की आइवरी बेस है, आप देखें जो मर्द खड़े हमारे साथ जो बहुत ही कमाल का, सबकी एक जैसी बेस है, सब उनके पास एक ही स्टिक होती थी, बुशरापा का भी वही, सादिया का भी वही, और अनु कपूर का भी गोरा दिखाना है, और उससे जो है हुमा ने मेकअप नहीं किया हुआ, वो सही लग रही है बेचारी। ये देखे मुझे अपने बालों की शुरू से रही थी, बाल में हमेशा खुद कभी कभी स्क्रच कर ले, नहीं करती हूँ, मेरे तो डेड स्ट्रेट बाल है, कभी स्क्रच कर लिया कभी कुछ कर लिया, आईब्रो पतली है, पतली रहा पतली, तो आईब्रोज मेरी भी, मैंने सारी भी जो तस्वीरें पुरानी भेजी वो उसमें मुझे तो मुझे जो वो था वो सारा तुम्हारा अगले सेगमेंट में दिखाऊं, पतली आईब्रोज सादिया का पूरा करते हैं, तुम्हारा अगले सेगमेंट में करेंगे, वही है ना, वही पतली आईब्रोज, क्योंकि उस जमाने में थी पतली आईब्रोज, वैसे देखा जाए तो ये जो हमारे क्यूटनेस है गालों में, लेकिन आईब्रो पतली है ना, और आई मेकअप का कलर देखो, वन कलर आई मेकअप एंड इट्स फिरोजी या कुछ इस तरह का, कुछ अजीब सा कोई ब्लू, अब तुम कभी फिरोजी करके आई हो या मेरे शो पे? ग्रे सिल्वर, मुझे कलर से खेलना बहुत मजा आता है, मुझे खुद मेकअप आता है ना, मुझे कलर से खेलने का मजा आता है।